मैं थोड़ा सा ईश्वरीय रचना के बारे में जो आज की जो मेडिकल साइंस है वो इन टोटल वेस्टर्न कल्चर पर है। भारतीय कल्चर क्या है, भारत क्या था और आज भारत क्या है, इसमें बहुत डिफर है। कभी पूरे संसार को हर तरीके की सुविधा और ज्ञान भारत प्रदान करता था, लेकिन आज उस मामले में भारत पीछे है और दुनिया के देश आगे बढ़ गए हैं। ये गणेश सप्ताह है, मैं डॉक्टर साहब से, हाँ जी, मैक्स हॉस्पिटल की टीम से आग्रह करता हूँ, कृपया ध्यान से सुने, वो ब्रेड पकौड़े का आनंद भी लें और मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। ये गणेश सप्ताह चल रहा है, गणेश जी का जन्मदिन, गणेश जी कैसे अवतरित हुए, तो इस संसार की जो पूरी रचना है इस धूलिकण से, मिट्टी से होती है। पूरे ब्रह्मांड की, पूरे संसार की रचना धूलिकण से होती है और धूलिकण का उद्गम वो परमपिता परमात्मा है जिनसे धूलिकण का निर्माण हुआ। परमपिता परमात्मा ने जब इस ब्रह्मांड और सृष्टि के निर्माण की परियोजना बनाई तो सबसे पहले वो ज्योति रूप में प्रकट हुए। यह एकदम महाशून्य था, घोर अंधकार था और परमात्मा के अपना जो उनकी ज्योति थी, जो उनका रोशनी थी, उससे यह एक आभा चक्कर बना हुआ था। तब परमात्मा ज्योति रूप में प्रकट हुए, परमपिता परमात्मा ज्योति रूप में प्रकट हुए और वह ज्योति, उस ज्योति का आकार पल प्रतिपल बढ़ता चला गया, उसका आकार लाखों किलोमीटर से भी अधिक हो गया। उस परमपिता परमात्मा की ज्योति रूप में उनका निरंतर आकार बढ़ता चला गया और लाखों किलोमीटर से भी बड़ा आकार उनका हो गया। तब उनके शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई, उस ज्योति ने परमात्मा को नियंत्रित करने के लिए एक दायरा बना दिया, जो आकाश बना। उस ज्योति से आकाश बना और वह ज्योति शिव रूप थी। तो पहली उत्पत्ति परमात्मा के शरीर से श्री शिव की हुई, दूसरी उत्पत्ति एक दूसरी ज्योति प्रकट हुई, उसने वायु रूप धारण कर दिया। दूसरी ज्योति ने वायु रूप धारण किया, वह आज हम उसे दुर्गा के रूप में जानते हैं, देवी गौरी आदि शक्ति योग माया के रूप में जानते हैं। तीसरी ज्योति प्रकट हुई, उसे हम देवी सरस्वती के रूप में जानते हैं जिसने जल रूप धारण किया। चौथी ज्योति अग्नि, एक चौथी अग्नि ज्योति ने अग्नि रूप धारण किया जिसे हम विष्णु जी के रूप में जानते हैं। और जब दूसरी ज्योति जिसने वायु रूप धारण किया, उसने प्रचंड रूप धारण किया, वह बड़े तीव्र वेग से इस ब्रह्मांड में चलने लगी, उसका बहुत वेग बढ़ता चला गया और जिसके वेग से उस परमपिता परमात्मा की ज्योति से असंख्य चिंगारियां निकलने लगी, उस ज्योति से असंख्य चिंगारियां निकलने लगी जिससे धूलिकण निर्मित हुआ। जो हम कई तंदूर जलाते हैं, चिंगारी निकलती है, हमें सिर्फ कुछ एक सेकंड के लिए भी नहीं नजर आती, वो तुरंत विलीन हो जाती है। जो चिंगारी है वो आत्मा है, उस परमात्मा के शरीर से जो एक शून्य चिंगारी निकली, जब तक वह चिंगारी रूप में है नजर आती है और जब वह ओझल हो जाती है तो धूलिकण बन जाती है, नजर नहीं आती है। तो इस प्रकार धूलिकण का निर्माण हुआ और असंख्य धूलिकण इस ब्रह्मांड में विराजमान हो गए। घोर अंधकार, अंधकार में अंधकार बढ़ता चला गया। तब कहते हैं तीसरी ज्योति ने अपना रूप दिखाया, जलधारा के रूप में वह बरसने लगी और उस जलधारा के साथ जो धूलिकण उत्पन्न हुए थे वो सब एक जगह एकत्रित होने लगे।
और कहते हैं जल के रूप में धूलिकणों के संयोग से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। यह जो पांचवी ज्योति प्रकट हुई थी परमात्मा से, उसका रूप यह पृथ्वी है, जिसे लक्ष्मी जी कहते हैं। सब कुछ इस पृथ्वी से ही, आगे की उत्पत्ति इस पृथ्वी से हुई है। तो इस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो इसकी कोई गति नहीं थी, इसको गति में लाने के लिए सबसे पहले जल के अंदर एक धूलिकण अंकुरित हुआ और उससे एक कमल का फूल बना। सबसे पहले वनस्पति के रूप में अंकुरित हुई पृथ्वी से एक धूलिकण, जिसको शास्त्रों में कहा कि विष्णु जी की जो नाभि से नहीं हुआ, पृथ्वी से, पृथ्वी के धूलिकण से कमल फूल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ये पहला परीक्षण था जो स्त्री के गर्भ में, जिसे हम योनि कहते हैं, बच्चा जन्म लेता है उसे कमल योनि कहते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा ने कमल योनि की उत्पत्ति की, कमल योनि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वह कमल योनि आगे चल के परमात्मा ने स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दी, जिससे जीवन का एक रास्ता, सुगम रास्ता बना। उसके बाद पृथ्वी को रोटेशन में लाने के लिए शास्त्रों में हमारे मधु कैटप का जिक्र है और आधुनिक विज्ञानों से डायनासोर कहती है। डायनासोर का शरीर लाखों किलोमीटर लंबा था, इस पृथ्वी को रोटेशन में लाना था। वो बहुत बलवान थे लेकिन अथक प्रयास के बाद भी वह पृथ्वी को हिला नहीं पाए, टस से मत हिला नहीं पाए। उन्होंने मेहनत की थी, उनकी मेहनत से उन्हें भूख लगी तो कुछ खाने के लिए दौड़ नजर दौड़ाई तो पृथ्वी तो जलमग्न थी, चारों तरफ जल ही जल था। उस जलमग्न पृथ्वी में मधु कैटप को, डायनासोर को, एक ब्रह्मा जी नजर आए। तब उन्होंने समझा कि क्यों ना ब्रह्मा जी को खाकर ही इस भूख को शांत किया जाए। तब वे ब्रह्मा जी की ओर चले तो ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान से जान लिया कि मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तब उन्होंने विष्णु जी का ध्यान किया तो उनकी प्रार्थना पर विष्णु जी, जो योग निंद्रा में पृथ्वी पर थे, वो उठ खड़े हुए और मधु कैटप का रास्ता रोक दिया। यह दुर्गा सप्तशती का पाठ भी है, यही दुर्गा सप्तशती का पाठ है। तो उन्होंने मधु कैटप का, डायनासोरों का रास्ता रोक लिया तो संघर्ष शुरू हो गया, युद्ध शुरू होने लगा। और यह युद्ध चलता रहा, चलते चलते युद्ध का मध्याह्न हुआ। तो समय की तो उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो समय की उत्पत्ति तो पृथ्वी रोटेशन में आएगी तब समय की उत्पत्ति होगी। जो हमारी घड़ी चलती है ये अकॉर्डिंग टू पृथ्वी की गति चलती है, उसी से दिन और रात बनता है। लेकिन उस वक्त पृथ्वी की कोई गति नहीं थी, तो समय का भी कोई नापने का यंत्र नहीं था। तो कितने साल तक वह युद्ध चला उसका कोई पैमाना नहीं है। उनका मध्याह्न हुआ, तब मध्याह्न में डायनासोरों ने, मधु कैटप ने विष्णु जी से कहा कि आप अकेले हम दोनों का मुकाबला कर रहे हो, हम आपसे खुश हैं, और मांगो आप क्या मांगते हो, हम आपसे प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हैं। कहते तब विष्णु जी ने कहा तुम मुझे क्या दे सकते हो, मेरे हाथ से मृत्यु का वर्ण करो, मेरे हाथ से मृत्यु का वर्ण करो। तो डायनासोरों ने, मधु कैटप ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, हम तुम्हारे हाथ से मृत्यु का वर्ण अवश्य करेंगे। लेकिन तथास्तु कहने के बाद जब उन्हें बोध हुआ कि तो हम अपना जीवन दे बैठे हैं तो इससे कैसे बचा जाए, बचने के उपाय में उन्होंने एक शर्त रख दी कि हम अपनी जबान के पक्के हैं, आपके हाथ से जरूर मरेंगे लेकिन हम इस जल के अंदर मरना नहीं चाहते, हमारी मृत्यु हो तो सूखी धरती पर हो, अगर हमारा अंत हो तो सूखी धरती पर हो। उन्होंने ये विचार किया था ना ही जल सूखेगा और ना ही हमारी मृत्यु होगी। तब विष्णु जी ने भी कहता था तू, मैं तुम्हें सूखी धरती पर ही मारूंगा, तुम्हारा वध सूखी धरती पर ही होगा। तो धरती का जल सुखाने के लिए विष्णु जी ने देवी सरस्वती से अनुरोध किया, हे देवी,
वीणा बजाओ, हे देवी वीणा बजाओ। तो उनके अनुरोध पर देवी सरस्वती जो स्वयं सम्राट है सुरों की सम्राट है, वो वीणा बजाने लगी। और उनकी वीणा इतनी मधुर थी, इतना मधुर संगीत था उस वीणा का कि उससे आदि शक्ति योग माया नाचने लगी, थिरकने लगी। आदि शक्ति योग माया थिरकने लगी और नाचते नाचते जब उनकी नजर श्री शिव की ओर गई, जो समाधि में बैठे थे, शिव की ओर गई, तो वह मन ही मन उन्हें अपना दिल दे बैठी और उन्हें अपना पति वरण कर लिया, मन ही मन उनको पति मान लिया। जिस प्रकार हिडंबा पांडवों को मारने के लिए आई थी, हिडंबा जब लाक्षागृह से पांडव निकल के जंगलों में चले गए थे, रात में सो रहे थे, भीम पैरे पर था, तो हिडंबा आई राक्षस पांडवों को खाने के मकसद से। लेकिन जब उसकी नजर भीम से टकराई तो वह अपना दिल दे बैठी। आई थी शिकार करने, खुद शिकार हो गई। आई थी शिकार करने, खुद शिकार हो गई और वह पति मानकर भीम की ओर बढ़ी। तो जिस प्रकार हिडंबा भीम की ओर बढ़ी, उसी प्रकार आदि शक्ति योग माया ने शिव को पति वरण किया और शिव की ओर बढ़ने लगी। शिव की ओर बढ़ी तो शक्ति का और ज्ञान का टकराव हुआ। शिव ज्ञान है, शिव ज्ञान है और आदि शक्ति योग माया वो शक्ति है। ज्ञान और शक्ति का टकराव हुआ तो कहते हैं ज्ञान और शक्ति के टकराव से चिंगारी निकलने लगी। जैसे हम लोहा काटते तो चिंगारी निकलती है, चिंगारी अग्नि की धारा बहने लगी और जो धूलिकण वायुमंडल में शेष रह गया था वह मेल्ट होकर आकाश में इकट्ठा होने लगा, जिससे सूर्य की उत्पत्ति हुई, जिससे सूर्य की उत्पत्ति हुई। तो इस संसार में शिव और पार्वती की सबसे बड़ी संतान सूर्य है। और जब सूर्य की उत्पत्ति हुई और सूर्य की सुनहरी किरणें चारों तरफ फैल गई, सूर्य की सुनहरी किरणें इस ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल गई और पृथ्वी पर आने लगी, तो पृथ्वी जलमग्न थी, वह सुनहरी किरणें जब जल से टकराई तो यह सारा नजारा बसंती बसंती हो गया। कभी आप समुद्र किनारे जाकर देखना, सूर्योदय के समय जब सूरज निकलता है तो समुद्र के बीच में अगर आप नौका में है, यान में है, समुद्री जहाज में है, तो निकलता हुआ सूरज देखोगे तो सारा नजारा आपको बसंती बसंती नजर आएगा। ते पृथ्वी जलमग्न थी, सूर्य की उत्पत्ति हुई, उसकी सुनहरी किरणें इस पृथ्वी के जल से टकराने लगी तो चारों तरफ बसंती बसंती नजर आने लगी और यह दिन बसंत पंचमी कहलाया। इसलिए यह दिन बसंत पंचमी कहलाया। और सूर्य ने अपनी सुनहरी किरणों की चादर ढककर पत्नी रूप में स्वीकार किया, पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो ये दूसरी जोड़ी बनी, पहली जोड़ी शिव आदि शक्ति योग माया वो परिवार बना, दूसरी जोड़ी सूर्य और पृथ्वी। एक कुमार विश्वास की रचना है, हाँ जी, एक कुमार विश्वास की रचना है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, धरती की तड़प को, धरती की तड़प को, उसने जो शब्द यूज किया है बस बादल समझता, गलत है। धरती की तड़प को बादल नहीं, धरती की तड़प को बस सूरज समझता है। कोई पागल समझता है कोई दीवाना कहता है, धरती की तड़प को बस सूरज समझता है। वो इससे दूर है कितना, ये उससे दूर है कितनी, ये उसका दिल समझता है या इसका दिल समझता है। तो सूर्य की तपस और पृथ्वी की उमस, सूर्य की तपस, अब ये मौसम चल रहा है ना, उमस है, एक टाइम गर्मी होती है फिर बरसात होती है तो उमस होती है। तो सूर्य की तपस और पृथ्वी की उमस से जीव की उत्पत्ति होती है। जीव की उत्पत्ति सूर्य की तपस और पृथ्वी की उमस से होती है। ये पृथ्वी पर जन्म का एक नियम है और जो लॉजिकल है
और साइंटिफिक है जिसे कहीं किसी भी सूरत में झुठलाया नहीं जा सकता। किसी भी मंच पर इसका विमोचन किया जाए तो किसी भी रूप में इसे झुठलाया नहीं जा सकता। सूर्य की तपस और पृथ्वी की उमस, इससे जीव की उत्पत्ति होती है। गर्मी से ही पृथ्वी जलमग्न पृथ्वी में परमात्मा ने खुद गर्मी प्रदान की, तब कमल फूल की उत्पत्ति हुई। और आदिशक्ति योग माया ने अपने शरीर से जमी मैल उतार कर एक पुतला बनाया और उसे गर्मी प्रदान की, तो एक बालक का जन्म हुआ जो श्री गणेश कहलाया, जो श्री गणेश कहलाया। तो उत्पत्ति का क्रम पृथ्वी से, मिट्टी से शुरू हुआ, और जो पहली खेप मनुष्य की उत्पन्न हुई, ये मैक्स वाले तरह ध्यान से सुने, जो पृथ्वी पर सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई वो मनु कहलाया। मनु समर्थि का मतलब है इस धरती पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। मनु समर्थि में कोई सिद्धांत नहीं लिखा है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये तो 1835 में बदल दिया गया। हमारे शास्त्र 1835 में एक ब्रिटिश विद्वान लॉर्ड मैकाले आया था, और एक राजा राम मोहन राय भारत में थे सामाजिक कार्यकर्ता, उन दोनों की जोड़ी बन गई और उन्होंने भारत का भविष्य ही बदल दिया, भारत की संस्कृति बदल दी, भारत की कल्चर बदल दी। ये बड़े दुख की बात है कि आज वो भारत नहीं है, वो ज्ञान नहीं है जो भारत सारे संसार को प्रदान करता था, और जिसके बल पर भारत विश्व गुरु कहलाता था, वह ज्ञान आज कहीं नजर नहीं आता। ना योगी के पास है, ना मोदी के पास है, ना योगी के पास है, ना मोदी के पास है, ना किसी शास्त्री के पास है, ना किसी महंत के पास है, ना शंकराचार्य के पास है, ना किसी सरस्वती के पास है। सब अपने अपनी दुकान लगा कर बैठे हैं और माया के पीछे पड़े हैं। धन को माया बोलते हैं, माया में सब लीन है और माया में आए हैं और माया में चले जाते हैं। तो ये एक कर्म था धरती पर जीवन की उत्पत्ति का। तो जिस विधि से मानव की उत्पत्ति हुई वह जानना, जिस शास्त्र में उसका उल्लेख है वह मनु समस्ति कहलाता है कि मानव किस तरीके से इस धरती पर उत्पन्न हुआ, वनस्पति किस तरीके से उत्पन्न हुई है। जितनी भी उत्पत्ति इन 2-3 महीनों में होती है, पूरे साल में उतनी कभी नहीं होती। ये सिद्धांत सत्य सफुर्द है, सिद्ध है, सत्य सिद्ध है कि सूर्य की तपस और पृथ्वी की उमस, इससे जीव की उत्पत्ति होती है। तो इस विषय पर इतना ही है। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।